बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने फिल्म मर्दानी 2 से पावरफुल कमबैक किया था और अब रानी मुखर्जी के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि रानी जल्द ही एक दमदार फिल्म में नजर आने वाली हैं। रानी मुखर्जी के जन्मदिन के मौके पर फिल्म निर्माताओं ने उनके फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि रानी एक बार फिर महिला केंद्रित फिल्म लेकर सिनेमा घर पहुंचने की तैयारी में है। इस फिल्म को यशराज बैनर के तले नहीं बल्कि जी स्टूडियो और एमी एंटरटेनमेंट मिलकर बनाने वाले हैं। इस फिल्म का नाम मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे रखा गया है। इस फिल्म को आशिमा छिब्बर निर्देश करने वाली है। फिलहाल ये फिल्म प्री प्रोडक्शन फेज में है और बहुत जल्दी इस फिल्म को रानी मुखर्जी की अगली फिल्म के रूप में ऐलान किया जाएगा। इस फिल्म में रानी मुखर्जी एक ऐसी महिला का किरदार निभाने वाली हैं जो अपनी चुनौतियों का मजबूती से सामना करती हैं और एक देश तक से भिड़ जाती हैं। 21 मार्च को अपने बर्थडे पर हुए इस ऐलान से रानी मुखर्जी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता था। जब मेरी फिल्म का ऐलान हुआ है, मेरे 25 साल के फिल्मी करियर में इस बार शायद मेरे करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म साइन की है। रानी मुखर्जी ने कहा, मैंने महिला केंद्रित फिल्म राजा की आएगी बारात से अपने करियर की शुरुआत की थी। अब संयोग से अपने 25 साल के फिल्मी करियर में मैंने एक बार फिर महिला केंद्रित फिल्म ही साइन की है जो अपनी चुनौतियों से लड़ती है और एक देश से भी भिड़ जाती है। ये फिल्म सभी माओं को समर्पित है। ये वाकई एक शानदार स्क्रिप्ट है जिसे मैंने काफी सालों पहले पढ़ा था। उसी वक्त मैंने इस फिल्म को करने का फैसला कर लिया था। मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं निखिल आडवाणी की क्रिएटिव टीम से जुड़ी, जिन्हें मैं कुछ कुछ होता है के वक्त से जानती हूँ। उनकी कंपनी एमी एंटरटेनमेंट को बढ़ता हुआ देखकर अच्छा लगता है। मैं खुश हूँ कि जी स्टूडियो इस पावरफुल स्क्रिप्ट के साथ जुड़ा है। वेल, रानी मुखर्जी अब अपने इस पावरफुल रोल की तैयारी में जुट गई है।